आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। बड़ी खबर जनपद शामली से आ रही है, जहां जनपद शामली में तहसील बनत में किया गया है भारतीय किसान यूनियन युवा संगठन ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। वहीं सभी किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां उन्होंने बताया कि यह धरना कृषि कानून को लेकर के है और किसानों के हित के लिए है। वहीं साथ में उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना जो चलाई जा रही है उसको भी बंद कराने के लिए जगह जगह धरना चलाया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों के लिए ही लड़ते रहेंगे और उसके लिए चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े। जहां भारतीय किसान यूनियन युवा संगठन हर वक्त किसानों के साथ खड़ा है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मपाल नाड़ा, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शामली। किसानों के उत्पीड़न के विरोध में अनिश्चितकाल धरना यहाँ पर लगाया हुआ है। हाँ जी, ये किस लिए लगाया हुआ है? ये इसलिए लगाया कि भारत सरकार ने जो है हमारा, जब 13 माह तक जो है धरना दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा था, पहले तो हमें बका के वहाँ से उठा दिया और वे जो कानून जिन पर बात हुई थी सरकार के साथ वापस लेने की, वे अभी तक जो है ना हमारे उन जो किसान शहीद हो गए थे उन्हें मुआवजा दिया और ना अभी तक जो है वे कानून अभी निरस्त करे। और वहाँ लखीमपुर खीरी में जो है हमारे किसान साथियों पर जो है केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा थार गाड़ी चढ़ा के हमारे 4 किसान साथी और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। अभी तक जो है सरकार ने उस मंत्री को अपने गोद में बैठा रखा। इतने में जो है सरकार उन मंत्री को बर्खास्त नहीं करे, उसके बेटे पे जो है और उस पर मंत्री पर कठोर कार्रवाई नहीं करे। जगह जगह धरने इसी तरह चलते रहेंगे। क्या ये धरना लगातार चलता रहेगा? नहीं, जैसा भी केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे भारतीय किसान यूनियन का नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसी के आधार पर धरने चलते रहेंगे। सुना था अभी अग्निवीर योजना को लेकर भी धरना आपका प्रदर्शन जारी है। हाँ, उसका हमारा भारतीय किसान यूनियन का उससे जो है बच्चों को पूरा समर्थन है और हम उसका विरोध करते रहेंगे, अंतिम समय तक विरोध करते रहेंगे। सुना है कोई महापंचायत भी करने वाले हैं? हाँ जी, 24 तारीख में एक तो यहाँ इस पर जो है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर जो है एक महापंचायत होनी, उसमें जो है मुख्य अतिथि राकेश टिकैत जी रहेंगे। और मतलब जो है 5 सितंबर को एक बहुत भारी पंचायत यहाँ कलेक्ट्रेट पर होगी राकेश टिकैत जी की अगुवाई में जो है, क्योंकि यहाँ की प्रशासन जो है ना तो हमारे गन्ने का हमें पिछले साल का पेमेंट दिलवा रहा, मीटर हमारे पे बिजली के मीटर थोपे जा रहे, बिजली के बिल जो है वे बढ़ते जा रहे, किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहे, उन सब समस्याओं को किसानों की लेकर और राकेश टिकैत जी के आह्वान पर 5 सितंबर को बहुत भारी पंचायत होगी जिसमें लाखों की संख्या में किसान यहाँ जुड़ेंगे। शामली यूपी से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।